Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सामने है यूकी हिरी जो कि जापान की रेसलर है 25 वर्षीय ये रेसलर जिनसे काफी उम्मीदें जापान को फाइनल में मशक्कत कर रही है विनेश फोगाट के खिलाफ जिन्होंने शून्य नैन जिनसे वो रियो ओलंपिक्स 2016 में हारी थी विनेश उनको हराया शून्य नैन को और शायद उससे जो हौसला अफजाई मिली उस हौसले को आगे बढ़ाकर अब गोल्ड मेडल मैच में महसूस करेंगे कोच भी विनेश भी और सारे हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा सुरक्षित तो करना चाहती थी वो गोल्ड मेडल अगर बाय फॉल पिन कर जाती यूकी हिरी को पर कितनी ऊर्जा निकल गई यूकी हिरी को अपने आप को बचाने में और कितनी ऊर्जा बची है इस अंतिम तीन मिनट के पीरियड में वापस अंक खींचने के जापानीज रेसलर के पास ऊर्जा दोनों की बराबर लगी है रमन यूकी हिरी की ऊर्जा अपने आप को बचाने में और विनेश की पूरी ऊर्जा लगी कि वो पिनफॉल से इस मुकाबले को जीत लें लेकिन ऐसा हो नहीं सका बहुत नजदीक मामला चला गया था इसके बावजूद चार पॉइंट की लीड इस समय विनेश के पास अच्छा डिफेंस कर रही है लेकिन इस बार बढ़िया डिफेंस विनेश का पैर पैर पकड़ बना ली थी यूकी ने सिंगल लेग होल्ड के लिए गई थी यूकी हिरी लेकिन अच्छा डिफेंस बाएं लेग को बचाया बाएं डाउन को विनेश फोगाट ने काबिले तारीफ है विनेश का ये डिफेंस लेकिन अगर वो लगातार डिफेंस करती हुई रेफरी की नजरों पे आ गई रिडार पर आ गई तो निश्चित रूप से यहाँ पैश्यू घोषित भी किया जाएगा एक बार फिर बहुत अच्छा अटैक जापानीज पहलवान का उतना ही अच्छा डिफेंस किया है विनेश फोगाट ने अगर कुश्ती इस तरह स्टॉप हो जाती है तो रेफरी तुरंत इसको छुड़ा दिया जाता है ये कुश्ती के नियमों से बंधी हुई कुछ बात है जो रेफरी ने स्टैंडिंग रेसलिंग से यहाँ शुरू बनाने का दोबारा संकेत दिया जब होल्ड को ब्रेक करके वापस न्यूट्रल पोजीशन के अंदर दोनों ही रेसलर्स को सेंटर ऑफ द मैट पे बुलाया बिल्कुल जब रेफरी ये महसूस करने लगे कि आप टाइम जाया हो रहा है आपके सेम एक्शन से जिसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं है तब वो वापस न्यूट्रल पोजीशन पर आपको वापस लेकर के आते हैं चार शून्य से भारत की लीड अपनी जगह पर कायम विनेश और एक बार फिर इशारा विनेश को और जिसका डर था वही हुआ एक्टिवेट टाइम लेकिन अभी भी समय बर्बाद करना चाहिए विनेश को जोखिम नहीं उठाना चाहिए 30 सेकंड में अब विनेश स्कोर नहीं करती है तो जापानीज पहलवान को एक अंक परोस दिया जाएगा पर अगर एक अंक बिल भी गया यूकी हिरी को फासला चार अंकों का है विनेश की बढ़त चार अंकों की है इतना ज्यादा हताश नहीं होना चाहिए और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं विनेश फोगाट को जल्दबाजी करनी है तो यूकी हिरी को करनी पड़ेगी बिल्कुल रमन अपने हक में कुश्ती को रखना चाहिए अपने पाले में गेंद है विनेश के और उसी स्टाइल में उसको खेलते रहना चाहिए पहला पॉइंट जापान के पक्ष में और वो जब एक्टिव टाइम में डाला गया कोई पॉइंट स्कोर नहीं कर सकी विनेश इस वजह से एक पॉइंट दिया गया जापान को 4-1 और सिर्फ 45 सेकंड का वक्त बाकी है इस मुकाबले में विनेश फोगाट अगले 40 सेकंड तक अगर अपनी बढ़त को बरकरार रखती है तो पहली भारतीय महिला बन जाएंगी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होंगी उनके और गोल्ड मेडल के बीच अब केवल 30 सेकंड के आसपास का फासला है ये भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल होगा रेसलिंग में और ज्यादा दूर नहीं बेहतरीन डिफेंस विनेश अपने अटैकिंग खेल के लिए जानी जाती है लेकिन यहां पर जबरदस्त डिफेंस करती हुई यूकी हिरी के खिलाफ इसमें कोई दो राय नहीं है बहुत ही अच्छा डिफेंस का परिचय दिया है विनेश फोगाट ने जो समय पास करना चाहिए वो किया है उन्होंने और ये इसी के साथ 4-3-2 और ये समय रुक गया है हालांकि एक अंक और अभी इतनी जल्दबाजी हमें बहुत हो रही है कि गोल्ड मेडल विनेश के गले में आए स्कोर 2-4 का हो गया है और ये 2 पॉइंट टेक डाउन के विनेश फोगाट के नाम और इसी के साथ समय भी समाप्त तो अंतिम 3 सेकंड के अंदर एक जबरदस्त टेक डाउन किया विनेश फोगाट ने और 6-2 से इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है गोल्ड मेडल महिला के 50 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर भारत की विनेश फोगाट के नाम पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो कमाल का प्रदर्शन विनेश फोगाट का आखिरी लम्हों में खुद अपने प्रदर्शन